फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी कोर्ट से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे। सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का, ये कहावत यहां सटीक बैठती है। आप देख सकते हैं जिला अधिकारी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर पुलिस कर्मी यहां पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जहां बिना सर पर हेलमेट के और कान में फ़ोन लगाए एक हाथ से गाड़ी चलाते दिखाई दिए। तो वहीं प्रयागराज की सड़कों पर भी लोग नियम कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे। जब जिम्मेदारी नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता किस तरह से पालन करेगी, आप सोच सकते हैं। लोग बिना हेलमेट के ज़्यादातर सड़कों पर वाहन चलाते दिखाई दिए, चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे आम जनता हो, और खुलेआम प्रयागराज में यातायात नियम की धज्जियां उड़ी। जबकि आला अधिकारी समय समय पर बैठक करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि यातायात नियम का पालन हो, ऐसे में लोग अक्सर नियम कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की होती है कार्रवाई। तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज में ट्रैफिक रूल का जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इसी कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोग फोन पे बतियाते हुए जा रहे हैं, बगैर हेलमेट लगाए जा रहे हैं और गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हैं। और काफ़ी लोग को तो मैंने देखा है कि दारू शराब पी के भी गाड़ी चला रहे हैं, नशा करके भी गाड़ी चला रहे हैं। तो ये पूरा की पूरा जो है जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन है और हर तरफ से जो है तो नियम कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है और बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था। क्या नाम है? इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के 313 मदरसों के खिलाफ मदरसा आधुनिकरण स्कीम के घपले की SIT जांच रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। विशेष सचिव गृह की रिपोर्ट पर एक्शन लेने के आदेश की चुनौती खारिज कर दी है। रिपोर्ट ने अंतरिम आदेश से मिली राहत भी हटा दी है। कोर्ट ने इस आदेश से घपले करने वाले मदरसों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। देश न्यायमूर्ति क्षेत्र शैलेंद्र ने आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित अंजुमन सिद्दीकिया जामिया नूरुल उलूम व 4 अन्य प्रबंध समिति मदरसा इस्लामिया व 12 अन्य की याचिका पर दिया है। तस्करी से जुड़ी खबर। प्रयागराज की STF की इकाई को मिली बड़ी कामयाबी। STF की इकाई ने 3 अंतर्राज्यीय अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों लोगों के कब्जे से 631 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में STF को मिली है। मुखबिर की सूचना पर लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से कुछ लोग ट्रक से अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर STF ने घेराबंदी करके जहाँ चेकिंग लगाई और चेकिंग के दौरान जहाँ STF को बड़ी कामयाबी मिली है, ये शराब तस्करी लेकर के बिहार झारखंड व छत्तीसगढ़ में ले जाकर बेचा करते थे। नवांगत जिलाधिकारी नवनीत चहल ने जहां पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार के दिन जिलाधिकारी कार्यालय के संगम सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी और पत्रकारों के समक्ष अपना परिचय दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रयागराज जिले के और बेहतर बनाने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी मांगे, जहां कई पत्रकारों ने अपना परिचय के साथ शहर की जन समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी प्रयागराज में पत्रकारों को आश्वासन दिया कि पत्रकारों किसी तरह कोई भी समस्या नहीं होगी, शासन द्वारा जारी योजनाओं को पत्रकारों को अवगत कराया जाएगा और पत्रकारों से भी जन समस्या से जुड़ी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही आसानी से पत्रकार और जिलाधिकारी के बीच में संवाद होगा और बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही प्रशासनिक बाइट को भी लेकर उन्होंने कहा कि जब भी कोई मामला होगा सीधा पत्रकारों से संपर्क करके संवाद किया जाएगा, जिससे कि जनहित में बेहतर खबरें प्रकाशित हो सके। सोमवार को जर्नलिस्ट एंड पब्लिकेशन एसोसिएशन व मीडिया मंच के पदाधिकारी व सदस्यों ने सर्वप्रथम नए आए प्रयागराज जिलाधिकारी को बुके देकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात रेल बोर्ड द्वारा लागू की गई नई विज्ञापन नीति को वापस लेने के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत सिंह चहल को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रकाशकों व पत्रकारों ने यह मांग की है कि जन विरोधी नीति को वापस भारत सरकार तत्काल ले, पुरानी नीति को उसी तरह से पहले की तरह जहां बहाल करें। तो JPA अध्यक्ष अनुपम शुक्ला व संयोजक KK श्रीवास्तव के नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश्वर मिश्र के दिशा निर्देशन में DM को ज्ञापन सौंपा गया। इसी दौरान काफ़ी संख्या में पत्रकार व प्रकाशक मौजूद रहे अपनी मांगों को लेकर। CM ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुँचे, जहाँ उन्होंने
भगवतपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया है। नवनिर्मित अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए डेंगू को और अन्य बीमारियों को लेकर बड़ा दावा करते हुए क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 100 शय्यायुक्त नवनिर्मित हॉस्पिटल भगवतपुर के निरीक्षण के दौरान हमने ये पाया कि इस अस्पताल को शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए, चूँकि ये अस्पताल डिस्पेंटल होकर के आया, कुंभ मेले में अस्थायी रूप से हम बनाया गया था, वहाँ के संसाधनों का यहाँ उपयोग करते हुए अस्पताल स्थापित कर दिया गया है। मैन पावर को सेंक्शन हमने कर दिया है, 16 चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है, सभी उपकरण जो 100 बेड के लिए अनुमन्य है वो यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, 10 दिन के अंदर अस्पताल फुल फ्ले से चलने लगे ऐसे हमने निर्देश दिए हैं, और समय समय पर जिलाधिकारी महोदय अपने देखरेख में काम पूरा कराएंगे और आसपास के गाँव में इस बात की जानकारी हम सभी नागरिकों को देंगे, उनके घर के पास, उनके गाँव में ही, उनके क्षेत्र में ही इस बड़े अस्पताल का विधिवत संचालन प्रारंभ हो गया है, अब आपको शहर की ओर जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, संचारी रोग अभियान हम लोग लगातार चलाते हैं वर्ष में 3 बार, और मुझे अभी ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं, कहीं भी मरीज होंगे उनको हम उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराएंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी दवाइयां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं और कोई दिक्कत नहीं है, हम मरीजों की पहचान कर रहे हैं, जांच का दायरा हमने बढ़ाया है और जांच के दायरा बढ़ाने की वजह से आप देखते होंगे गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में, और जो परंपरागत जिले हैं जहाँ पर मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसे बुखार के पीड़ित मरीज अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमने विशेष सतर्कता बरती है। प्रयागराज में जहां इन दिनों दबंगों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और ताज़ा मामला अब घोरपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बैठकर खेत किनारे जुआ खेलते दिख रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। बता दें, जहां हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों पर यहां जुआ चल रहा है और आप देख सकते हैं बूढ़े और कई जवान यहां पर बैठकर जुआ खेल रहे हैं खुलेआम। सबसे बड़ी बात, इनमें ना ही पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का, और जिस तरह से अब ये खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं, इससे नई युवा पीढ़ी पर किस तरह का असर पड़ेगा ये तो अपनी जगह है, मगर खुलेआम नियम कानून को ताक पर रख कर जहाँ बेखौफ होकर खेत किनारे खेलते दिखाई दिए जुआ वीडियो हुआ वायरल। नगरी प्रयागराज में जहां प्रतिबंधित पक्षियों को बीते दिनों एसटीएफ ने छापेमारी में पकड़ा था, जहां सूचना एसटीएफ को मिली थी प्रतिबंधित पक्षियों को लेकर तस्कर जा रहे हैं, जिसके बाद बैराना इलाके में जहां बागड़ धर्मशाला के पास चेकिंग के दौरान एक कार से तोते ले जा रहे तस्करों को पकड़ा था, जिसके बाद तस्करों से तोतों को आज़ाद कराकर वहीं वन विभाग को सौंप दिया गया था। तो उसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने आज बड़ी कार्य किया है, जहां तोतों को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है और इन्हें आज़ाद किया गया। करीब 500 पंछियों को जहां आज आज़ाद कर दिया गया वन विभाग के द्वारा, बीते दिनों तस्करों से इनको छुड़ाया गया था, जिसके बाद अब ये पूरी तरह से आज़ाद होकर खुले आसमान में अब चैन ले रहे हैं और उड़ते हुए अपनी उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।